चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। छतरपुर के संकट मोचन मंदिर में पूजा पाठ और हवन किया गया, जहां चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की कामना की। भारत इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रयान 3 जैसे ही आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, पूरा देश इस स्वर्णिम उपलब्धि की खुशी में झूम उठेगा। छतरपुर के संकट मोचन मंदिर में हवन पूजा करते हुए सभी ने ये कामना की कि सॉफ्ट लैंडिंग सफल रहे, देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत आज कामयाब हो। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए ही मंदिर में हवन पूजा किया गया। भगवान सबकी सुनते हैं, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और प्रयास का सफल परिणाम जरूर मिलेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के संपूर्णता सिद्धार्थम द्वारा श्री का हमारे विज्ञानों की जो सफलता है उसको पूर्ण हो, हमारे देश का पूरे विश्व में नाम हो, इसके लिए हमने यज्ञ किया है। बच्चे बूढ़े हो या फिर जवान, आज सभी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए बेताब हैं। संकट मोचन मंदिर में हवन पूजा कर स्थानीय निवासियों ने भी एक स्वर में कहा, हम होंगे कामयाब, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करे, यही भगवान से आस है। आज हमारे संकट मोचन मंदिर में जो हमारे वैज्ञानिकों ने सालों से तपस्या कर रही थी, दिनों रात मेहनत कर रही थी कि ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाकर बैठे, आज उसकी सफल लैंडिंग शाम को होने वाली है। तो हम लोगों ने उसकी सफलता के लिए यहाँ पे हवन किया है कि हमारे वैज्ञानिकों की जो साधना है वो सफल हो जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हवन किया है। क्योंकि चंद्रयान 3 स्थापित होने से हमारा देश तरक्की करेगा, हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे आगे रहे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।